यूनिफॉर्म हेलो सिविल कोड को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि ये देश गांधीवादी और नेहरूवादी विचारधाराओं से चलेगा, ये देश संघ और गोसे की विचारधारा से नहीं चलेगा। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार को ही यह नहीं पता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। उन्होंने मीडिया से सवाल करते हुए कहा है कि क्या मीडिया को यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में सही जानकारी है। उन्होंने कहा है कि पहले इस मामले पर सुझाव और प्रस्ताव आए, उसके बाद ही कांग्रेस यूसीसी पर विचार करेगी। ये तो सरकार को खुद को मालूम नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। आपको मालूम है क्या सिविल कोड क्या है? कॉमन सिविल कोड है, यूनिफॉर्म नहीं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम, आपको मालूम है क्या? कौन कर रहा है? सुझाव तो आए, प्रस्ताव तो आए, उस पर विचार करेंगे। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों के महागठबंधन को लेकर दिग्विजय सिंह ने कहा है कि इस पर विचारधारा वाले दलों से चर्चा चल रही है, सभी दलों से चर्चा और विचार विमर्श करने के बाद स्थिति साफ हो जाएगी। उन्होंने कहा कि लेकिन ये पूरी तरह से साफ है कि 2024 की लड़ाई दो विचारधाराओं की लड़ाई है, एक विचारधारा जो धर्म के आधार पर देश को बांटने का काम कर रही है, धार्मिक उन्माद फैला रही है, देश में हिंसक घटनाएं हो रही हैं, मणिपुर जल रहा है और प्रधानमंत्री मोदी चुप्पी साधे हुए हैं, जिसका कांग्रेस विरोध कर रही है। इसकी चर्चा चल रही है और सभी के साथ चर्चा करने के बाद साफ है, भूमिका बिल्कुल साफ है, लड़ाई विचारधारा की है और इस विचारधारा जो कि इस देश को बांट रही है, जिस प्रकार से धर्म के आधार पर लोगों को बांटा जा रहा है, धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है, जिस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, मणिपुर जल रहा है और प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हैं, इसलिए इसका तो विरोध करना ही है। उसमें समानता है, ये देश गांधीवादी विचारधारा, नेहरूवादी विचारधारा चलेगा, संघ की विचारधारा से नहीं चलेगा, गोडसे की विचारधारा से नहीं चलेगा, गांधी की विचारधारा से चलेगा। वहीं पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में हुई हिंसा को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि बंगाल में जो हिंसा हुई है उसके खिलाफ हम पहले भी थे और आज भी हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस आगे भी किसी भी हिंसक घटना का विरोध करेगी। उन्होंने पश्चिम बंगाल की हिंसा को लेकर मीडिया पर भी तोहमत लगाई है और आरोप लगाया है कि मीडिया पश्चिम बंगाल की घटना को काफी बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही है। जो भी हिंसा हुई है हम उसके खिलाफ पहले भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे, लेकिन इसको ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री के तौर पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच कांग्रेसियों में दो खेमे में बंटे होने के सवाल पर मीडिया पर भाजपा की भाषा बोलने का भी आरोप लगाया है। राहुल प्रियंका को लेकर कांग्रेस में दो पार्ट में दिखाई पड़ता है, क्योंकि प्रियंका को आपको राहुल को आपकी आपको बड़ी गलतफहमी है, आप तो भाजपा की भाषा बोल रहे हैं। धन्यवाद।